बारिश हो रही है, जिस वजह से आप देख सकते हैं गंगा जी का नील धारा है, गंगा जी का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्यूब में जो है एक युवक को आप देख सकते हैं गंगा जी में लकड़ी पकड़ने के लिए निकले पड़े हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा जी में जो लकड़ी पकड़ने के लिए ट्यूब डालकर जो है युवक जो है तैराकी करते हुए आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी लहरों के बीच जो है यहाँ पर जो है लकड़ी को पकड़ने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो दोस्तों इस टाइम आप देख रहे हैं नील धारा गंगा जी के ताज़ा दृश्य आप देख रहे हैं, 8 अगस्त के ताज़ा दृश्य आप देख रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा जल जो है आज हमें गंगा जी में दिखाई दे रहा है। सामने आप देख सकते हैं पहाड़ी पर जो है माँ मनसा देवी का टेम्पल आप देख सकते हैं। और पहाड़ों पर जो है लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से आप देख सकते हैं गंगा जी का नील धारा है, गंगा जी का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्यूब में जो है एक युवक को आप देख सकते हैं गंगा जी में लकड़ी पकड़ने के लिए निकले पड़े हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा जी में जो लकड़ी पकड़ने के लिए ट्यूब डालकर जो है युवक जो है तैराकी करते हुए आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी लहरों के बीच जो है यहाँ पर जो है लकड़ी को पकड़ने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए आप बीच गंगा में जो है जान जोखिम में डालकर जो है युवक जो है यहाँ पर लकड़ी पकड़ने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बहाव में यहाँ पर जो है गंगा जी जो है नज़र आ रही है। और सामने आप देख सकते हैं भीमगौड़ा बैराज हरिद्वार, यहीं से जो है गंगा जी जो है आती है हरिद्वार से। तो पहाड़ों पर जो है लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से जो है नीलधारा गंगा जी का जो जल स्तर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और रौद्र रूप में जो है गंगा जी हमें दिखाई दे रही है। और ज़रा अगर देखेंगे प्लेटफॉर्म बना हुआ है जो सीमेंट का, वो भी पूरी तरह से डूब चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा बहाव में यहाँ पर जो है गंगा जी नज़र आ रही है। पहाड़ों पर जो है बारिश जो है उत्तराखंड में हो रही है, जिस वजह से आप देख रहे हैं नीलधारा गंगा जी का जल स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और इधर सामने आप देख सकते हैं माँ चंडी देवी का टेम्पल आपको दिखाई दे रहा है पहाड़ी पर अगर देखें। तो दोस्तों अभी हम आ गए गंगा जी नील धारा के किनारे पर और आप देख सकते हैं सामने जो है काफ़ी सारे युवक जो है आपको जो है गंगा जी में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लकड़ी पकड़ते हुए आप देख सकते हैं, ट्यूब में जो है यहाँ पर जाते हुए आप देख सकते हैं। और गंगा की बीच धारा में बीचों बीच आप देख सकते हैं काफ़ी सारे युवक जो है लकड़ी पकड़ने का जो है काम करते हुए, ट्यूब लेकर जो है आप देख सकते हैं गंगा जी में तैराकी करते हुए और जान जोखिम में डालकर जो है लकड़ी पकड़ने का यहाँ पर जो है काम करते हुए। चार लोग आप देख सकते हैं ऐसी जो पहाड़ों पर जो है लगातार बारिश हो रहा है, जिस वजह से जो है गंगा जी का जो जल स्तर है बढ़ चुका है और पहाड़ों से जो है गंगा जी में जो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ जो है बरसात के मौसम में जो आ रही हैं उन्हें पकड़ने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर जूम करके भी दिखाऊं आपको तो आप देख सकते हैं बरसात के मौसम में जो है बड़ी बड़ी लकड़ियां जो बहकर आ रही है उनको पकड़ने का काम करते हुए युवक आप देख सकते हैं। और इधर आ देख सकते हैं दोस्तों नीलधारा गंगा जी के ताज़ा दृश्य आप देख रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं भैंसे वगैरह आप देख सकते हैं गंगा जी में जो है स्नान करती हुई आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा बहाव नज़र आ रहा है यहाँ पर गंगा जी के किनारे। सो दोस्तों ये थी हरिद्वार की एक अपडेट वीडियो नीलधारा गंगा जी की। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर गंगे हर हर महादेव।